अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब किंग्स ने T20 की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल चेस किया IPL में। 261 का टारगेट सेट किया KKR ने और उसको 8 बॉल्स पहले 8 विकेटों से ये मैच जीता है पंजाब किंग्स ने। बहुत ही खतरनाक किस्म की क्रिकेट हुई आज, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच हुआ और क्रिकेट में बॉलर्स का रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, स्पेशली IPL में। दिस IPL ये चौथा के पांचवा मैच है जिसमें 250 प्लस रन हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं किसी भी बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। मतलब इतनी फ्लैट विकेट्स और इतनी को मतलब फट्टा विकेट्स और छोटी बाउंड्री के साथ खेला जा रहा है कि बस क्रिकेट का मजाक बन चुका है। मगर आज के हीरो थे जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने पूरा सीज़न बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी मगर आज बहुत ही ज़बरदस्त अनबीटन 100 था। और इसके साथ दो और स्टार थे आज के जो लोकल प्लेयर्स थे इंडिया के, प्रभु सिमरन सिंह, उन्होंने पहले एक प्लेटफॉर्म सेट किया 20 गेंदों पे 50 करके और उसके बाद उसको कैरी ऑन किया आगे जॉनी बेयरस्टो प्लस, और उसके साथ सुशांत सिंह आए, उन्होंने तो मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने मतलब जॉनी बेयरस्टो के ऊपर कोई भी प्रेशर आने नहीं दिया, जहाँ भी जरूरत थी वहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन छक्के भी मारे। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये मैच रहा और 18.4 ओवर्स में ये चेस किया पंजाब किंग्स ने 2 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ। बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग मैच था और ये क्रिकेट की हिस्ट्री का, इंटरनेशनल हो या लीग हो, उसका सबसे हाईएस्ट चेस था। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2023 में चेस किया था 259 और ये उसके बाद सक्सेसफुल चेस अब रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच रहा, मतलब क्लीन हिटिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग। इससे पहले KKR ने 261 का जो टारगेट सेट किया था उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी बहुत अच्छी गई थी, जिसमें एक तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था और उसके बाद रसल और सुरेश अय्यर ने उसको क्लोज बहुत अच्छा किया था। मगर चेज में तो कमाल हो गया। मगर इस चेज में सबसे खास बात कि अगर आप क्वालिटी बॉलर हैं और अगर आप अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो आपको मार नहीं पड़ेगी। इसकी मिसाल थी सुनील नारायण, उन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट ली, जो कि 550 प्लस जो टोटल पड़ रहा है मैच में उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तो हैट्स ऑफ टू सुनील नारायण। इसीलिए रोमन बावल इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तू वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप खेल ले, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वर्ल्ड कप खेल ले। वो कह रहे हैं नहीं भाई मेरा कोई मूड नहीं है, मैं रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा। सो आज का मैच हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाएगा। जिस तरह का मैच हुआ, चाहे जितनी मर्जी बाउंड्री जैसी मर्जी पिच थी, भाई छक्के लगे, चेज हुआ, चेज का प्रेशर होता है, मगर पंजाब किंग्स ने आउटस्टैंडिंग हिस्ट्री रकम कर दी। इसको कह रहे हैं ग्रेटेस्ट T20 चेज एवर। अभी तक तो है, आगे देखें क्या बनता है, क्योंकि IPL में डे बाई डे सरप्राइजेज मिल रहे हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर एनदर सरप्राइज के आगे क्या 300 होगा और क्या वो भी चेज ना हो जाए तो IPL में इस बार कुछ भी पॉसिबल है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट क्रिकेट की। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।